हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद साहब, जिन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा था पेशेंस नॉट पनिशमेंट फॉर पाकिस्तान, और फिर कहा था कि ये जितना प्रेशर आ रहा है इंटरनली इन पाकिस्तान ये अनप्रेसिडेंटेड है, और इसकी वजह से बैलेंस और पेशेंस के साथ हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि फ़ौज फिर इक्तदार में इस दफ़ा नज़रिया ज़रूरत के तहत आ जाए। जनरल साहब, हुमा यूसुफ साहिबा ने एक आर्टिकल लिखा था डॉन में, वो पाकिस्तान स्कॉलर हैं इन अमेरिका, उन्होंने कहा था कि वो एक कॉन्फ्रेंस में गई जहाँ पर अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव थे एकेडमिक, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे एकेडमिक, और पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव थे एकेडमिक, जिनमें से एक वो खुद भी थी, और एक सिक्योरिटी के दायरे के अंदर रहते हुए सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी सिचुएशन और वॉर ऑन टेरर के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की, तो उनका ख्याल था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों की तरफ से एक मजलूम, एक विक्टिमहुड का नैरेटिव था कि जी ये तो हमारी गलती ही नहीं है, ये तो हमारी जंग ही नहीं है, ये तो सब आपकी वजह से, अफगानिस्तान पाकिस्तान को कह रहा था और पाकिस्तान अफगानिस्तान और अमेरिका को कह रहा था। लेकिन इसके बाद हुमा यूसुफ साहिबा ये कहती हैं कि अगर हम ये मजलूम होने का नैरेटिव, जो कि रहमान मलिक साहब स्टार वॉर्स की मेटाफोर्स देते देते इंटरनेशनल प्रेस को भी बताते हैं, जब तक ये हम वापस नहीं लिखते, जब तक हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो हमेशा रीएक्टिव होंगी, एक्टिव नहीं होंगी, और हम अपने इर्द गिर्द के टूटे हुए शीशे के पीसेज नहीं उठा सकेंगे जो हमने अपने ग्लास हाउसेज बनाए थे कभी, और अब उन पर पत्थर आ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? जी हाँ, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। एक तो सबसे पहले मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि चैलेंज जो है वो हमारा है, और ये जंग भी इस वक्त हमारी हो गई है, चाहे उसके वजूहात जो भी हों, और इसका मुकाबला करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी से और दूसरे ममालिक पर इल्ज़ाम लगा कर ये समझना कि मामला हल हो जाएंगे, ये बिल्कुल ही गलत है। और ये खुश होना कि अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान में हार गया और उसको बड़ी शिकस्त होने वाली है, तो इसी से अगर हम खुश हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ी सख्त गलत फहमी होगी। और अगर हम ये भी समझें कि अफ़गानिस्तान में फ़र्ज़ कीजिए कि तालिबान ज़ोर पकड़ जाएँ, तो उससे कोई पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, एक ये भी सोच है पाकिस्तान में, ये भी एक मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत सोच है। हमें ये अलबत्ता चाहिए कि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम आए, अफ़गानिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ आगे बढ़े, पाकिस्तान के कबायली इलाक़ों में अब अमलदारी अपनी हुकूमत की कायम हो, और कोई ऐसी पनाहगाहें ना हों जहाँ से वो लोग जो भी जंगजू क़ुव्वतें हैं अफ़गानिस्तान पर और नेटो या यूएस फोर्सेस और पाकिस्तान पर ख़ुद हमला ना करें। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान की ख़ुद की ज़िम्मेदारी है। और मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान ने जो पिछली पॉलिसीज़ इख्तियार की, जो शायद इस वक्त के जो कायदीन हैं उनकी शायद इतनी ज़िम्मेदारी ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका फ़र्ज़ ये नहीं बनता कि जो आप कह रहे थे कि नैरेटिव को चेंज ना करें और वही सोच अपनी रखें। इस वक्त सोच बदलने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है वो ये कि पॉलिसीज़ में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। ये भी मैं समझता हूँ कि एक अगर इस वक्त हकीकत बन गई है, जैसे हमारे पास इस वक्त बहुत से जिहादी एलिमेंट्स हैं और वो वाक़यात जिस तरीक़े से हो रहे हैं उससे तो बिल्कुल ही आया है कि ये सच है, और फिर इसके साथ साथ जिहादी एलिमेंट्स के अलावा तालिबान जो हैं वो भी काफ़ी ज़ोर पकड़ गए हैं कबायली इलाकों में, और फिर दहशतगर्दी के वाक़यात मुसलसल होते हैं, फिर सेक्टेरियन भी ग्रुप्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स हैं, नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, बलूचिस्तान की भी जिस तरीके से हालत है, ये देखते हुए एक मेरे ख़्याल में जामे पॉलिसी की ज़रूरत है कि ये तमाम जो क़ुव्वतें हैं इनको सिर्फ फ़ौजी कार्रवाई से नहीं, बल्कि फ़ौजी कार्रवाई के अलावा जो है, और फ़ौजी कार्रवाई सिर्फ उस सूरत में करनी चाहिए जब आप समझते हैं कि और कोई तरीक़ेकार नहीं है, दूसरे तरीक़ों से भी इनको वापस लाना है अपनी सिस्टम में, सियासी निज़ाम में लाना है इनको, और इनको रिहैबिलिटेट करना है। इसके साथ साथ जैसे आपने पहले ज़िक्र किया, तालीम देनी है, अपने रोज़गार के मौक़े इनको फराहम करने की ज़रूरत है, इक्तिसादी तरक्की की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इस जब तक ये कायदीन हमारे जो सिविलियन हैं और इसके साथ साथ सब दूसरे जो फ़ौजी अस्करी क़्यादत है, इनको ये सोचना चाहिए कि इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, अगर आप अपनी कमज़ोरियों को छुपाने की कोशिश करें और आप अगर मुत्तहद होकर अपनी छुपाने की कोशिश करें तो उसका नुकसान होगा। आपको तो चाहिए मुत्तहद होकर इन जो आपके इस वक्त चैलेंजेस हैं उनको फ़ेस किया जाए और उनके ऊपर उबूर हासिल किया जाए, ना कि उनको एक तरीके से कारपेट के अंदर नीचे आप छुपा दें। जनरल साहब, ये सवाल थोड़ा लंबा होगा, मुझे बेयर विद मी सर। मोहम्मद आमिर राना साहब जो हैं उन्होंने लिखा है द रूट्स ऑफ टेररिज्म,
उसके अंदर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो टेररिज्म है इसको ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता था विदाउट इंटरनल हेल्प, जिसके ऊपर उनको भी तशवीश थी, हमें भी है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कलेक्टिव माइंडसेट, जो हम सोचते हैं हमारी आवाम, वो अभी तक डिनायल है कि नहीं नहीं ये हमारे काम नहीं है, नहीं नहीं ये हमारी जंग नहीं है, नहीं नहीं ये हमारे लोग नहीं है। फिर उन्होंने ये इस बात की तरफ निशानदेही की कि जी मुशर्रफ साहब के खिलाफ डॉक्टर उस्मान का जो प्लॉट था, वो खुद एक रिटायर्ड, वो एक एक्स ऑफिसर थे, एक्स मेडिकल ऑफिसर थे, और उसके अंदर 57 एयरफोर्स पर्सनल अरेस्ट हुए थे जो कि इंटरनल थे। तो उन्होंने इस तरफ भी निशानदेही की है कि द रॉट हैज सेट इन सर्टेन एरियाज़। और उन्होंने फिर गवर्नमेंट इदारों की तरफ भी इशारा किया है कि जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक वेट हुआ था कि जी कौन कौन मिलिटेंट्स के हिमायती हैं, तो 165 लोग वहाँ से फारिग हुए थे, एक ट्राइबल सदर जो है वो भी फारिग हुआ था। लेकिन सर उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट दिए जिसके बारे में मुझे आपसे सवाल है, वो ये उन्होंने कहा कि मेनलैंड पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो जड़ें हैं वो ना मदरसों में हैं कि आप मदरसों पर एक फेल स्वीप स्टेटमेंट दे दें सब गंदे हैं, ना वो अफगानिस्तान से आए हैं कि आप एक फेल स्वीप स्टेटमेंट दे दें ये सब अफगानिस्तान की जंग का काम है, ये हमारी गलतियाँ हैं। उनका ख्याल ये है कि इनकी जो जड़ें हैं वो हमने जो नज़रियात, हमने जो सियासत और हमने जो तफरीक, इस्लाम के अलग अलग ग्रोहों की तफरीक बना के एक नैरेटिव डेवलप किया है, जिसको मजहबी जमातों ने डेवलप किया है, मिलिटेंट ग्रुप्स ने डेवलप किया है और स्टेट ने फ़रोग दिया है, ये जड़ है हमारे यहाँ की आज की टेररिज्म की, आज की दहशतगर्दी की। आपसे बिलखसूस सवाल इसलिए है सर, आपने 51 में फ़ौज ज्वाइन की थी, आपने ज़िया का ज़माना भी थोड़ा बहुत देखा विद इन द आर्मी एंड देन आउटसाइड ऑफ द आर्मी भी आपने आज तक का देखा है, सर ये नैरेटिव फिर डेवलप जो हुआ वो उस वक्त की स्टेट पॉलिसी को हम आज भुगत रहे हैं या कुछ और देर बाद समथिंग वेंट रॉन्ग? और जब आज फ़ौज में आए थे तो क्या यही होता था कि एक नैरेटिव होता था, चाहे वो उस वक्त मुल्ला मिलिट्री अलायंस का ना हो, किसी और तरह का हो? नहीं, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनरल ज़िया के ज़माने में जो नैरेटिव था जिहाद का, वो तो बहुत अहमियत का हामिल हो गया और इसके ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया, और आपने देखा कि पूरा एक किस्म का चेंज कैरेक्टर उसका जो फ़ौज का था उसको तब्दील करने की कोशिश की गई, एक पैन इस्लामिक सॉर्ट ऑफ फीलिंग एक आर्मी में और मुल्क में दी जाने लगी। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि जनरल ज़िया जो थे वो अपनी लेजिटिमेसी जो थी उनकी नहीं थी। सबसे कमज़ोरी जो होती है फ़ौजी अस्करी जो जब कुव्वतें जो हैं कैप्चर करती हैं पावर, और ख़ास तौर से इस किस्म के मिलिट्री डिक्टेटर्स, तो फिर उनके पास लेजिटिमेसी तो होती नहीं, यानी मतलब ये कि उनको फिर ढूंढना पड़ता है। तो आपने देखा कि उन्होंने ये कोशिश की कि मज़हब को इन्वॉल्व किया और इस तरीके से इन्वॉल्व किया, और फिर इत्तेफाक से फिर उस वक्त सोवियत यूनियन ने भी ऑक्यूपाई कर लिया अफ़गानिस्तान को, उनको मौका ही मिल गया कि अमेरिकन्स ने भी फिर उनसे पूरी तौर से फ़ायदा उठाया। तो ये तो हैं चीज़ें जिससे कि बहुत नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं राणा साहब से एग्री करता हूँ कि कई चीज़ें जो उन्होंने लिखी हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी हैं, और हमें जो है ये अपने सोच में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। लेकिन देखिए, ये सोच में उसी सूरत में तब्दीली आ सकती है जब हमारी क़यादत जो है वो मतलब ये कि एक लीड दे, एक विज़न दे और ये बताए कि किस तरीके से क्या इस वक्त क्या हकीकत है, कौन सी फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं, किस तरीके से हमारी अंदर जो है ये कीड़ा लग गया है, ये वायरस जो मैं समझता हूँ ये एक वायरस है, और ये वायरस को किस तरीके से निकाला जाए। और हर कोई इदारा जो है उसकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस वायरस को ख़त्म करे, इस वायरस को क्लीन करे। और आप ये देखिए कि ये भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक तरफ तो आप इदारों की तरफ जाएं और उनको क्लीन करने की कोशिश करें, दूसरा ये है कि कौम की जो सोच है उसमें तब्दीली लानी चाहिए। और आपने जैसे कहा कि तारीख़ भी हमने गलत लिखी है अपने आप को, अभी भी हम, आपने देखा कि मैं बाज़ दफ़ा जिस किस्म के सवालात मुझसे पूछे जाते हैं टेलीविज़न वगैरह पर, मुझे अफसोस होता है, चूँकि उससे तो ऐसे ज़ाहिर होता है कि उनको यानी दुनिया के बारे में इल्म ही नहीं है। और देखिए, दुनिया जो है वो जितने भी ममालिक हैं दुनिया के, वो कोशिश करते हैं दूसरे ममालिक से बेहतर ताल्लुकात हों, ग्लोबलाइजेशन से पूरी तौर से फ़ायदा उठाया जाए। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने ग्लोबलाइजेशन से
कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं उठाया, ना रीजनलिज्म से ना ग्लोबलाइजेशन से। और एक तरीके से एक वक्त था जबकि पाकिस्तान कोशिश करता है कि सारी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात हों, अब तो उल्टा ही हिसाब है। यानी जिस किस्म की हमने अंदरूनी पॉलिसीज़ और खारजा पॉलिसी अख्तियार की है उसकी वजह से हम तनहा होते चले जा रहे हैं। और अब ये जो एक बहस शुरू हुई है कि हम चाइना की तरफ चले जाएं और अमेरिका और मगरबी दुनिया, तो मैं ये कहता हूँ कि ये कोई ज़ीरो सम गेम तो नहीं है। चाइना भी जो है आप देखें कि ख़ुद वो सारी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात रखना चाह रहा है, वो अपने जो हरीफ हैं उनसे भी अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, जो उसके पोटेंशियल राइवल्स हैं उनसे भी, और किस तरीके से उसने अपनी कॉमर्स और ट्रेड और इकोनॉमिक लिंक्स जो हैं अमेरिका से डेवलप किए हैं, इंडिया से डेवलप किए हैं, हालांकि वो एक किस्म के पोटेंशियल राइवल्स हो सकते हैं रीजनल लेवल पर या ग्लोबल लेवल पर, लेकिन इसके बावजूद सारी दुनिया से वो अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम चीन के साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे ममालिक से भी हम अच्छे ताल्लुकात रखें। और ये कौन सा मज़हब है जो ये हमें सिखाता है कि हम आपस में एक दूसरे को मारते ही चले जाएँ, और जिस तरीके के जो वाक़यात हो रहे हैं उनके ऊपर नज़र ना रखें और उनको कंडेम ना करें, बल्कि सिर्फ़ दूसरों को ही हम ये कहते रहें कि उनकी वजह से ये हो रहा है, इंडिया की वजह से ये हो रहा है, अमेरिका की वजह से। अगर वो हो भी रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि बैरूनी क़ुव्वतों को ये मजाल ना हो कि हमारे मुल्क में वो इस किस्म की मदाखलत करें। पहले तो खैर शायद ये हकीकत भी नहीं है, लेकिन अगर हकीकत हो भी तो ये भी फिर हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, इसलिए कि आखिर जब हम इतना दिफा पर, इंटेलिजेंस सर्विसेज पर, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पर, अपनी सिविलियन गवर्नमेंट पर खर्च करते हैं और पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर, और लाखों की तादाद में तो अब हमारे पास प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो इनका क्या फ़र्ज़ है? जब हम और न्यूक्लियर भी हम हैं, तो जब हम अपनी सिक्योरिटी, अपनी सलामती ख़ुद फराहम नहीं कर सकते, और सिर्फ हमें एक हमें एक्सक्यूज़ पता है कि हम दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो यह किस किस्म का दिफाई पॉलिसी है या किस किस्म की खारजा पॉलिसी हमारी है? जनरल मसूद, एक ब्रेक लेंगे सर, उसके बाद जब वापस आएंगे तो ये वॉर ऑन टेरर का फ्यूचर से क्या हो सकता है? सैयद तलत हुसैन ने एक आर्टिकल लिखा है सेंचुरीज एंड सेफ हेवंस दहशतगर्दों के हवाले से, जो लगभग ये कहता है कि डैम्ड इफ यू डू एंड डैम्ड इफ यू डोंट। आप देख रहे हैं सियासत मना है, बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।